नेक्स्ट आती है हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.2। अब 11.2 कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है? टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो आपके आपके लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। जस्ट लाइक द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या करता है? लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या करना है आपने? गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, आपने क्या करना है? ए बी आपके पास क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट होना चाहिए। दिस वन वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स, ए और बी को आपने क्या करना है? सेंटर कंसीडर करना है, और रेडियस कितना लेना है? मोर देन हाफ ऑफ ए बी। मतलब सपोज करो ए बी जो है, ए बी की लेंथ आपके पास क्या है? 8 है, तो आप हाफ ऑफ ए बी क्या होगा? 4 होगा। तो आपके पास रेडियस है वो 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लाइक रेडियस जो है वो आप 5 ले लो। ओके, ए और बी को सेंटर कंसिडर करते हुए, और रेडियस जो है वो आपके पास कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ ए बी। आपने क्या करना है? ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब दोनों लाइन सेगमेंट की दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है? आर्क्स को ड्रॉ करना है टू इंटरसेक्ट ईच अदर। मींस यहाँ ये आपने आर्क्स ड्रॉ की और यहाँ आपने आर्क्स ड्रॉ की। तो ये क्या बेसिकली है? ये जो आर्क्स है ये किस पे इंटरसेक्ट हो रही है? ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट हो रही है, राइट? अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? पी क्यू को ज्वाइन कर लेना है। तो जब पी क्यू को ज्वाइन करोगे तो ये जो आर्क है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये ए बी को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो जो आपके पास लाइन सेगमेंट है पी एम क्यू, ये क्या है बेसिकली? दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है इसको आप क्या कहोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब हम इसको क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन या लाइन सेगमेंट ही होता है जो कि उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जस्ट लाइक एंगल बाइसेक्टर जो कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन सेगमेंट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अब लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए आप सपोज करो कि आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है जिसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक रूलर चाहिए। ओके, ये आपने क्या किया? रूलर ले लिया। अब आपने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, या इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अब आपने इसको नेम क्या दे देना है? ए और बी। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? कंपास लेनी है और पॉइंट ए और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है। और आपके पास रेडियस कितना होना चाहिए? रेडियस जो है वो आपका, रेडियस जो है वो आपका 1/2 ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। ए बी आपके पास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसका हाफ लोगे तो वो ए बी कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। तो आर जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो सपोज कर लो आर जो है वो कितना आप ले लो? आर ले लो 2.5। ओके, अब आपने क्या करना है? कंपास लेनी है। कंपास को आपने कहां सेट करना है? पॉइंट ए पे सेट करना है। आप अपने रूलर को भी इधर सेट कर लो। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे? कंपास को पॉइंट ए पे सेट करोगे, और आपने इसको कितना खोलना है, इसको कितना ओपन करना है? 2.5 तक, लाइक दिस। क्योंकि आप रेडियस कितना ले रहे हो? 2.5। तो आपने अपनी कंपास को भी कितना खोलना है? 2.5 तक, लाइक हियर इज 2.5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? पॉइंट ए पे रख के ए बी की दोनों साइड पे आर्क्स ड्रॉ करनी है, लाइक इसकी अपर साइड और बॉटम बिलो साइड पे आपने क्या करना है? आर्क्स ड्रॉ करनी है। तो अब आप क्या करोगे? इस तरह आप आर्क्स ड्रॉ कर लो। सिमिलरली अब आप इसकी इस साइड पे भी आर्क्स ड्रॉ कर लो, दिस साइड। ओके, अब आपने क्या करना है? पॉइंट ए पे आपने रख के आर्क्स ड्रॉ कर ली। अब आपने पॉइंट बी पे रख के आर्क्स को ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस वे ये आपकी आर्क्स क्या हो गए? इंटरसेक्ट कर गई दोनों आर्क्स। अब आपने यहां भी क्या करना है? आर्क्स को ड्रॉ करना है। ओके, ये पॉइंट ए पे जो रख के मैंने आर्क लगाई थी उसको मैं थोड़ा सा और नीट कर देती हूं, लाइक दिस। ओके, अब आप क्या करो? इस ये जो आर्क्स आपने ड्रॉ किए इनकी जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनको आप रिमूव कर दो,
ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इनको आपने नेम दे देना है। लाइक ये पॉइंट जो है इसको आप कह लो ये पी है, और ये पॉइंट क्या है इसको आप नेम दे दो ये क्यू है। अब आपने क्या करना है, पी को क्यू से ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास पॉइंट पी है और ये आपके पास पॉइंट क्यू है। ओके, आपने पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया। अब आप देखो अगर आप देखो तो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? लाइक दिस पॉइंट, इस पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये ए बी लाइन सेगमेंट को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप नेम दे दो ये क्या है, पॉइंट एम है, राइट? अब आप देखो ये जो लाइन सेगमेंट पी एम क्यू है, पी एम क्यू ये क्या है बेसिकली, ये है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो दो इक्वल पार्ट्स कौन से हैं, ए एम बी एम। अब आपने देखना है, अगर आपने ये देखना है कि ये दोनों ए एम इज इक्वल टू बी एम, आप क्या करोगे, अपने रूलर को सेट करो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। ओके, अब आप देखो कि ये जो पॉइंट एम है ये कितना आ रहा है, ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, और पॉइंट ये जो एम है इसकी लेफ्ट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर है और राइट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि एम ए एम इज इक्वल टू बी एम, मीन्स दैट पी एम क्यू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट? अब अगर नेक्स्ट आपने देखना है कि ये मेथड आपको रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देता है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने पी को ए, ए और बी को पी से ज्वाइन कर लेना है। सिमिलरली आपने ए और बी को क्यू से भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपने क्या किया, ए को पी से ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली बी को भी आपने पी से ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट आपने ए को क्यू से ज्वाइन कर लिया और आपने क्यू को बी से ज्वाइन कर लिया। ओके, तो इस तरह आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी, ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। अब जो मैं ट्राइंगल हाईलाइट कर रही हूँ वो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी। लाइक एक ये ट्राइंगल है पी ए क्यू, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ट्राइंगल पी बी क्यू। ओके, अब आपने देखना है इस ट्राइंगल में कि हम किस तरह इस मेथड से रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को गेट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल में यू कैन राइट इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें पता है ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल रेडियाई की आर्क्स हैं। ए पी जो है वो किसके इक्वल है, बी पी के, बिकॉज ये इक्वल रेडियाई की आर्क्स हैं। सिमिलरली ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के, सेम रीजन, ये क्या है, इक्वल रेडियाई की आर्क्स हैं। ओके, और पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ए क्यू इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। ओके, पी बी क्यू, अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है इसका मतलब ये है कि इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन से दिस गिव्स एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एम, बिकॉज कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप एक और ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल पी एम ए, लाइक दिस वन, ये ट्राइंगल, अब जो हाफ है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, दिस ट्राइंगल। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, यू कैन राइट दैट इन ट्राइंगल पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या कॉमन है, ए पी जो है हमें पता है वो बी पी के इक्वल है, क्योंकि लाइक ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है, बिकॉज ये इक्वल रेडियाई की आर्क्स हैं। सिमिलरली पी एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एम के, बिकॉज ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास एंगल ए पी एम किसके इक्वल है, एंगल बी
PMK, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो हम आप अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो ट्राइंगल PMA इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल PMB. ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या है अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है कंग्रेंट है. अगर तो ये दो ट्राइंगल कंग्रेंट है इसका मतलब ये है कि इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट भी कंग्रेंट होंगे. लाइक AM किसके इक्वल है BM के, एंड एंगल PMA किसके इक्वल होगा एंगल PMB के, अकॉर्डिंग टू कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल. सो हमें से क्या मिल रहा है, हमें पता लग रहा है एस PMA प्लस PMB ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है, और यू कैन राइट दैट PMA किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है. PMA और PMB किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है, राइट, क्योंकि PMA और PMB एक ट्राइंगल बना रही है और ट्राइंगल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है. इट्स मींस दैट एंगल PMA प्लस PMB अगर 180 डिग्री है तो विच मींस दैट PMA और PMB किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है. सो इट्स मींस दैट PM दैट इज PMQ वो क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है. नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.3 to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given array. अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक अरे गिवन होगी ए बी, आपने क्या करना है उसका इनिशियल पॉइंट ए लेना है. सो वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अरे ए सी सच दैट एंगल सी ए बी किसके इक्वल है 60 डिग्री के. आपने क्या करना है, एक रे ए बी आपको गिवन है, आपने एक रे ए सी बनानी है, एक ए सी रे ड्रॉ करनी है, इस तरह ड्रॉ करनी है कि जो एंगल सी ए बी है वो किसके इक्वल आ जाए 60 डिग्री के इक्वल आ जाए. तो चलिए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, ए को सेंटर कंसिडर करना है, ठीक है, और आपने कोई भी रेडियस ले लेना है अपनी मर्जी का. आपने एक आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की आपने आर्क ड्रॉ करनी है जो कि रे ए बी को किसी पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है. आपने अपनी कंपास को ए पे फिक्स करना है और एक सर्कल की आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है जो कि ए बी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है. नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी को सेंटर कंसिडर करना है और उसी रेडियस को आपने यूज करना है जिस पे आपने पहले अपने कंपास को ओपन किया हुआ था. ओके, अब आपने क्या करना है, आपने एक इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करनी है जो किस पे इंटरसेक्ट करे, बेसिकली प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे. मींस ये आपने पहले आर्क ड्रॉ की थी, अब जो आप दोबारा आर्क ड्रॉ करोगे वो इसी को ही क्या करे, इंटरसेक्ट करे. इस पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है, ई दे देना है. ये पॉइंट आपके पास क्या है, ई है. नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक रे ए सी बनानी है जो कि किस में से पास कर रही है, पॉइंट ई में से पास कर रही है. तो आपके पास जो एंगल सी ए बी है वो क्या होगा, बेसिकली रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अगर चेक करना है कि ये मेथड जो है ये आपको रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री देता है या नहीं, आप क्या करोगे, डी को ई से ज्वाइन कर लोगे. अब आप देखो ए ई किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और वो ए डी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन. सो यू कैन से दैट जो ट्राइंगल ई ए डी है ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो एंगल ई ए डी है वो क्या है, सेम है Likes angle CAB के. ओके, और एंगल सी ए बी किसके इक्वल है 60 डिग्री के. तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास कितना एंगल होता है, हर साइड जो होती है वो 60 डिग्री के इक्वल होती है. तो तीनों साइड्स मिलकर हमें 180 डिग्री का एंगल देती है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री का एंगल. ओके, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक रे चाहिए ए बी. सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक रे ए बी है, आप इसको नेम दे दो, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारे पास क्या है, रे ए बी. नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने कंपास लेनी है और इस कंपास को आपने पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करना है और इसको किसी भी रेडियस तक आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक सेंटर, आपने एक आर्क ऑफ अ सर्कल ड्रॉ करनी है जो के पॉइंट, जो के रे ए बी को किसी पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है. ओके, आपने क्या कर लिया, एक आर्क ड्रॉ कर ली, राइट. नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है जो ए बी को किसी पॉइंट ए बी पे जो कोई पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इसको आपने क्या कह लेना है, ये पॉइंट क्या है, डी है. ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉइंट डी को सेंटर कंसीडर करते हुए और जितने रेडियस की जो ये कंपास ओपन है इसी को ही किस पे आप फिक्स करना है, किसको सेंटर कंसीडर करना है, पॉइंट डी को. पॉइंट डी को सेंटर कंसीडर करके आपने, अब
क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है. तो आप क्या करो, लाइक दिस, ये आप क्या कर ली, आपने आर्क ड्रॉ कर ली. अब ये देखो, ये प्रीवियस उसी रेडियस की आपने कंपास लेनी है, उसी रेडियस को यूज करते हुए आपने प्रीवियस आर्क पे आपने क्या करना है, एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसको आपने क्या कह दिया है, इसको कह दिया ये पॉइंट क्या है, आपके पास ये पॉइंट ई है. नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए सी एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि किसमें से पास कर रही है, पॉइंट पॉइंट ई में से पास कर रही है. ओके, ये आपने क्या किया, रे ए सी आर्क ड्रॉ कर ली. इसको आप क्या नेम दे दो, यू से दैट दिस रे इज इक्वल्स टू सी. ये आपके पास क्या है, रे ए सी है जो कि किसमें से पास कर रही है, पॉइंट ई में से पास कर रही है. तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ड्रॉ होगा. ए सी जो है ये बेसिकली आर्क है, तो जो रिक्वायर्ड है हमारे पास एंगल सी ए बी, ये किसके इक्वल है, एंगल 60 डिग्री के इक्वल है. अब अगर आपने चेक करना है कि ये एंगल 60 डिग्री का बना है या नहीं, आप क्या करो, अपनी प्रोटेक्टर ले लो और इस प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे फिक्स कर लो. ये मैंने पॉइंट ए पे फिक्स कर ली. अब आप देखो कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो रे है, ये क्या है, ये जो ये वाली रे है, ये किस पे आ रही है, 60 डिग्री पे. ओके, इसका मतलब यह है कि हमने जो है वो एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल बना लिया है. ओके, अब नेक्स्ट अगर आपने ये चेक करना है कि ये मेथड जो है ये आपको रिक्वायर्ड 60 डिग्री का एंगल देता है या नहीं देता, तो आपने क्या करना है, डी को आपने ई से ज्वाइन कर लेना है, लाइक दिस. ओके, पॉइंट डी को पॉइंट ई से आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई, यू हैव ए ई इज इक्वल्स टू ए डी विच इज इक्वल्स टू ई डी. ओके, बाय कंस्ट्रक्शन हम ये देख चुके हैं. तो आपके पास जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, ट्राइंगल आपके पास आ गई ई ए डी. ओके, दिस वन. और ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो एंगल ई ए डी, अगर आप चेक करो एंगल ई ए डी, ये किसके इक्वल है, सेम है बेसिकली एंगल सी ए डी के. ओके, एंगल ई ए डी किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के. तो ये क्या है, दोनों क्या है, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे. और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है. और तीनों एंगल मिलके हमारे पास 180 डिग्री बना रहे होते हैं, जो कि एक ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है. तो अगर आपने एंगल ई ए डी चेक करना है तो ये भी 60 डिग्री का है, या इसके अलावा अगर आपने एंगल सी ए डी चेक करना है तो ये भी क्या है, 60 डिग्री का. तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा.